पैसों के लिए मुझसे शादी की, पैसों के लिए मेरी देखभाल करने का पूरा नाटक किया। मैं बेवकूफों की तरह समझता था कि मुझसे प्यार करती, सब धोखा था। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। झूठ अरे झूठ बोला मुझसे, तू नहीं समझ पाया मैं पहले यार। हर्ष जी 8 मिनट लगाना मुझे, दूर रहो मुझे। शिहाब सिंह को दूर पर रहो मुझे। आपको चोट लगी हर्ष जी, कैसी बातें कर रहे हो? दिखावा करती हो ना, मेरे सामने मत करना, मेरे से दूर रहो। हर्ष प्लीज हाथ ये दिखावा मत करो मेरे साथ। कोई दिखावा नहीं कर रहे हर्ष जी, चोट लगी। तुम दिखावा नहीं कर रही हो, ये जो केयर करने का दिखावा करते हो ना, ये ढोंगी बंद करो यार, गॉड सेक बंद करो यार ये सब। कैसे आपको यकीन दिलाएं मैं सच में आपकी केयर करते? हाँ वो तो करती हो, मैंने कहा मना किया है? वो तो करती हो ना, तुम केयर करती हो पैसे की, तुम केयर करती हो प्रॉपर्टी की, तुम्हारे लिए इंसानों की कोई वैल्यू थोड़ी है यार। ऐसा नहीं है हर्ष जी, ऐसा ही है। ऐसे मुझे एक बात बताओ, मुझे मारने के लिए क्या प्लान किया था तुमने? गोली मारनी थी, मेरा गला दबाना था, पानी में डालना था, क्या करना था? करना कुछ तो सोचा होगा ना जी, प्लीज। और कैसी बातें करूं मैं हर्षित, प्लीज। अब देखो अब तुम रोने का नाटक कर रही हो, कमाल है यार, फैंटास्टिक। अब तुमको क्या लगता है तुम बार बार रोगी आंसू निकालोगी तो तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे? कोई नाटक नहीं करे प्लीज, आप हमारी बात का भरोसा कीजिए। आप जैसा तुम शक्ल देखो अपनी, तुम नाटक हो ऊपर से लेके नीचे, तो तुम नाटक हो, धोखा हो तुम, धोखा हो तुम, झूठ हो तुम। आप एक बात है, तुम इंसान कैसी भी हो, एक्टर बहुत कमाल हो, बहुत सही। तुम्हारे इस मासूम चेहरे को देख के कोई कह नहीं सकता कि तुम्हारे दिल में इतना शहर भरा हुआ। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। आपको ऑनेस्टली लगता है जानकी भाभी ऐसा काम कर सकती है? शिखर जिस बैकग्राउंड से जानकी आती है ना, वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जानकी का एक ही मोटिव रहा है, पैसा पैसा पैसा। पर डैड बस शिखर एक बात सुन लो, आज के बाद जो भी जानकी की सिफारिश करेगा ना, उसको भी हम घर से बाहर निकाल देंगे। डैड मैं कोई वकालत नहीं कर रहा हूं उनकी, मैं बस आपको कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं। यार आपको याद है राजेश भाई ले गए थे हर्ष भाई को उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए, तब वहां जानकी भाभी आई थी हर्ष भाई को बचाने के लिए। जब हर्ष भाई मेंटली स्टेबल नहीं थे, उन्हें लाल रंग से डर लगता था, उसी रीजन की वजह से 30-40 औरतें मिलकर मार रही थी उनको मंदिर में। तब जानकी भाभी थी जो उनके सामने आ गई थी हर्ष भाई को बचाने के लिए। डैड डैड अपनी किडनी दे दी उन्होंने हर्ष भाई को, कोई क्या कर सकता है इससे ज्यादा? शिखर हो सकता है ये पहले से ही उसका प्लान हो। अब डैड अरे वरना एक बार डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद वो दोबारा छल से हर्ष के साथ शादी क्यों करेगी? Maybe you are convinced, but I am not convinced. मुझे तो लगता है जानकी कुछ भी कर सकती है। यार हो सकता है इन सब चीजों के पीछे श्वेता हो। शिखर, शिखर श्वेता को इसमें मत घसीट। ये पूरा चाल जानकी का ही बिछाया हुआ है। जैसे हम उसके मासूम चेहरे पे विश्वास कर बैठे, वैसे तू भी उसके झांसे में आ चुका है। लेकिन अब हमको पक्का यकीन हो चुका है कि वो जानकी ही है जो हर्ष के जान के पीछे पड़ी है। अब बस बहुत हो चुका राम, अब हमको उसे इस घर में नहीं रहने देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके आप। You're right, सविता, बहुत जल्द जानकी को इस घर से बाहर निकलवाएंगे। तुम मुझे कहीं भी ले जाओगे ना, उससे तुम बेगुनाह साबित नहीं हो जाओ। तुम
कुछ भी करके बेगुनाह साबित नहीं कर सकते अपने आप को। अभी क्या नया नाटक है, क्यों कर रहे हो ये सब? इस पेपर की वजह से आपको लगता है ना हमने आपको धोखा दिया, आपके विश्वास को तोड़ा है। ठीक है, इस पेपर को ही जलाकर खाक कर देते फिर तो आपको विश्वास हो जाएगा ना। देखिए सारे फसाद की जड़ ना ये पेपर, इसकी वजह से आपका विश्वास टूट गया सबको, हम पर इतने डाउट्स आ गए, हमने जला दिया उसे। आशी, ये पेपर नहीं है हमारे यहाँ रहने की वजह, ये देखिए ना मंगल सूत्र, हमारा सुहाग। नहीं रुके हम यहाँ और अपने सुहाग की रक्षा के लिए हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। पर क्या बोलते आप लोग, हर बात में बोलते हैं कि धोखे से शादी की, धोखे से शादी की। हाँ की ना धोखे से शादी, पर पैसे के लिए शादी नहीं की। तो फिर किस लिए की? बता। नहीं बता सकते। यही तो बात है। नहीं बता सकते, पर इतना जरूर बताना चाहते हैं हर्ष जी कि हम जैसे लोग प्यार में धोखा करते हैं, नहीं प्यार में सौदा। I hope so. ये आपका ही घर है, हमारा तो कभी था ही नहीं। आपका घर है, हमेशा आपका रहेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। उन पेपर्स के जलने के बाद अब शायद हर्षी को कोई खतरा नहीं रहेगा। नहीं जानकी, तुम्हारा ऐसा सोचना भी बेवकूफी, वो लोग बहुत चाहते रहे ये बात तुम जानती हो, वो कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे हर्षी को नुकसान पहुंचाने का। हमें कुछ तो करना होगा। रंगीली जी ने उस नर्स के लिए कहा था कि शायद वो हमारी कुछ मदद कर पाए, हमें उससे मिलना होगा, हमें उससे आज ही मिलना होगा। मत रोइए भाभी, आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और तुम अच्छी लगती हो क्या? क्या हो गया जानकी? हम जैसा जैसा सोच रहे थे सब वैसा वैसा हो रहा था, फिर अचानक से तुमने इस लड़ाई में अपना सब कुछ लगा दिया। ये लड़ाई हम हार गए क्या जानकी? हाँ I'm sorry, मैं मुसीबत के डर से सबके सामने तुम्हारी तुम्हारी साइड खड़ी भी नहीं हो पाती, बस एक भूत की तरह वहां खड़ी रहती हो, तुम्हारा बिल्कुल भी साथ नहीं दे पाती। I'm so sorry। नहीं भाभी, नहीं भाभी, नहीं भाभी, प्लीज संभालिए खुद को। साथ की बात करें, अरे आप ही तो हैं जिसने हमारा इतना साथ दिया इस घर में। इंसान की बात नहीं है जानकी, मेरा बस चले तो मैं सबको जाके ये बोल दूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा है। सच में चली जाओगी जानकी?
अपने हर्ष को छोड़कर चली जाओगे? नहीं भाभी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है रंगीनी जी की मदद से एक बार फिर हम सब कुछ बदल कर रखते। ऐसा हो सकता है? भाभी, एक नर्स के बारे में पता चला है जो इस परिवार को बहुत पहले से जानती है, और वो जो गहरा राज है ना जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, जो कब से ढूंढ रहे, वो भी हम उस नर्स से मिलने वाले। क्या पता हमें उस गहरे राज के बारे में पता चल जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा भाभी, है ना? अगर ऐसा है जानकी, तो ये तो पॉसिबल है ना कि जिस राज के बारे में हम जानना चाहते हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाए, वो नर्स हमें सब कुछ बता दे। तुम उससे बात करो, पूछो। हाँ भाभी, हम वही करने वाले। भाभी, ये हमारी आखिरी कोशिश है अपने राशि को छोड़कर जाने से पहले, एक आखिरी कोशिश। और हम चाहते हैं ये कोशिश नाकामयाब ना हो भाभी। वैसे भी वापस खोने के लिए तो कुछ है नहीं, सब कुछ तो खो चुके हैं। बस ये बाजी भी इस बार हमारे हाथ में हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर हम हार गए तो हमेशा के लिए हाशी को खो देंगे भाभी। ऐसा कुछ नहीं होगा जानकी, तुम हार ही नहीं सकती। पेपर नहीं है हमारे यहाँ रहने के पीछे, देखिए ना मंगल सूत्र, हमारा सुहाग। ये आपका ही घर है, हमारा तो कभी था ही नहीं। आपका घर है, हमेशा आपका रहेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम जा रहे यहां से। क्या कर रहे हो मेरे साथ आप? कभी वो धोखेबाज जानकी, तो कभी ये जानकी जिसने वो पेपर्स जला दिए। अब आप ही बताओ मैं किस पर भरोसा करूं। पता नहीं क्यों जानकी जी हमेशा मेरी सोच के अगेंस्ट साबित हुई हैं। अब सही क्या है और गलत क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। आई एम कंफ्यूज्ड। इतना सब कुछ होने के बाद भी हर पल सिर्फ वही मेरे ख्यालों में रहती हैं। हमारी शादी एक तमाशा थी, बावजूद इसके उनके घर से जाने के बाद मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है? हर्ष, क्या हाल बना रखा है अपना? ये सब हमारी वजह से हो रहा है। आपकी वजह से कुछ नहीं। हर्ष, हमारी गलत परवरिश का नतीजा। क्या बात कर रहे हैं मम्मा, आप ऐसा मत बोलो प्लीज। हर्ष, हमने तो तुझे गलत परवरिश दी ना, तुझे तुझे अच्छा इंसान बनाया, लोगों पर दया करना सिखाया। क्या मिला? क्या मेरा बदले में तुम एक औरत का धोखा? कोई बात नहीं मां, जो होना था वो हो गया, और धोखा मिलना था वो भी मिल गया, जो फ्रॉड होना था वो भी हो गया। सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। हम जानते हैं तुम बहुत इज्जत करते थे ना जानकी की, ईमानदार समझते थे उसको, हम भी समझते थे। लेकिन बेटा, कभी कभी ना इंसान की असलियत देर से पता चलती है। राम, राजेश, श्वेता सब हमें सावधान करते रहे उसके बारे में, लेकिन हमने सबकी अनसुनी कर दी। क्या नतीजा निकला देखो, और उस जानकी ने सब कब किया कुछ पता भी नहीं चला। और उसने जो कुछ भी किया ना हर्ष, ठीक नहीं किया। उसने हमारी पीठ में खंजर खोपा है। उसने सिर्फ तुझे ही धोखा नहीं दिया, अम्मा जी, वंदना, शिखर, हम सबको धोखा दिया है उसने। जिसने जिसने उस पर विश्वास किया सबको धोखा दिया है उसने। ऐसा कैसे कर सकती है वो? अब क्या होगा हर्ष? हाँ, रोते नहीं, संभालो अपने आप को।
इतना नाटक करने की बात उम्मीद है कि तू कोई गलती नहीं करेगा। जानकी, डिवोर्स के पेपर्स भेज दूंगा जल्दी, कोशिश करूंगा कॉम्पनसेशन भी तुम्हें मिल जाए। उसकी जरूरत नहीं है। उसी की तो जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि कभी तुम पैसे के लिए कभी किसी का दिल नहीं तोड़ोगे। आई प्रॉमिस। इसका मतलब आपके दिल में हमारे लिए कुछ तो है। मैंने कहा है सर। ऐसा ही कहा है आपने। आपका दिल टूटा है ना, उसे जोड़ेंगे भी हम। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वो मौका नहीं दूंगा तुम्हें। ना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा। ऐसे मत बोलो कि तुम्हें ही मेरी परवाह है। बस हम आपको कैसे पता है कि हमें आपकी कितनी परवाह है? तो मुझे पता लग गया। और कुछ नहीं तो कम से कम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे। पढ़ लीजिए प्लीज। तुमसे दूर नहीं होना पड़ेगा। अगर तुमसे दूर हो जाऊंगा तो फिर मुझे कौन संभालेगा बुढ़िया, इसलिए मुझे तुमसे दूर कभी नहीं होना। हम आपसे दूर नहीं रह सकते आज।
सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।